हेलो फ्रेंड्स, मैं सरसात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। अक्सर इस सब्जी को बनाने में हमारे आलू बहुत ज्यादा मुशी हो जाते हैं और वो सब्जी खिली खिली स्वादिष्ट नहीं बन पाती है। तो आज आप मेरी इस रेसिपी में देखेंगे कैसे हम इस आलू शिमला मिर्च की नॉर्मल सी सब्जी को बहुत ही खिला खिला और कम्प्लीटली पका हुआ और फ्लेवरफुल बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ आलू शिमला मिर्च सब्जी बनाने के लिए मैंने एक शिमला मिर्च ली है, थोड़ी बड़ी है इसीलिए मैंने एक ली है और दो आलू लिए हैं। शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है और आलू पकने में ज्यादा टाइम लेता है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे जब हम अपनी सब्जी को बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आलूओं को अच्छे से छील के धो लिया है और इसको मैं डाइस में ना काटते हुए थोड़े लंबे पन पे काटूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे फिंगर चिप्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, उस टाइप का। तो ये सब्जी इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और ये पकती भी बहुत जल्दी है। यहाँ मैंने आलू को काट लिया है और अब मैं अपनी शिमला मिर्च भी चॉप कर लेती हूँ। शिमला मिर्च को भी मैं ऐसे ही लंबा लंबा और पतला काटूंगी। अगर आपको लगता है कि शिमला मिर्च तीखी होती है तो जब भी आप शिमला मिर्च खरीदें तो उसमें नीचे के इस चीज को जरूर चेक करें। अगर उसमें ये चार पार्ट्स हैं तो वो तीखी नहीं होगी, और अगर उसमें इस तरह से तीन पार्ट्स हैं तो वो तीखी होगी। तो इन शिमला मिर्च में भी एक मेल एंड फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये ऑड नंबर्स जब होते हैं तो फीमेल होती है और जब इवन नंबर्स होते हैं तो मेल। तो फीमेल वाली ज्यादा तीखी होती है और मेल वाली बिल्कुल न्यूट्रल होती है। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को अपना देख सकते हैं आप। शिमला मिर्च आप बहुत बारीक मत काटिएगा क्योंकि वो पकने के बाद बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा मोटा काटेंगे तो वो एक परफेक्ट शेप में रहेगी। वैसे मोटा पतला कंप्लीटली आपकी चॉइस है। तो आप देख सकते हैं मेरे आलू भी कट के तैयार हैं और शिमला मिर्च भी। यहाँ पे बस आपको थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है कि शिमला मिर्च थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि हम यहाँ आलू की सब्जी नहीं बना रहे हैं बल्कि आलू शिमला मिर्च की बना रहे हैं। तो हमारे अच्छे से ये सब चीजें वॉश्ड हैं, तो चलिए अब हम अपनी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो इस सब्जी को मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। इसको क्या, मैं हर सूखी सब्जी को तेल सरसों के तेल में बनाती हूँ। उससे एक तो जो कलर है सब्जियों का वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही फ्लेवर वाली बनती है और बिल्कुल ड्राई नहीं बनती है। अक्सर रिफाइंड में क्या होता है कि वो सारा रिफाइंड जो है वो सब्जियां एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमें बहुत ज्यादा ऑयल यूज करना पड़ता है उसको एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए। तो अगर आपने सरसों के तेल में अगर आप नहीं कुक करते हैं तो प्लीज आप स्टार्ट करिए सरसों के तेल को, या फिर जो भी लोकल ऑयल है आपका, बीट कोकोनट ऑयल, क्योंकि रिफाइंड ऑयल के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा सुपर हेल्दी है। तो यहाँ मैं, मेरा तेल गरम हो गया, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा और इसमें डाल रही हूँ मैं हींग। हींग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर तो आता ही है और डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 साबुत लाल मिर्च। जैसे ही हमारी लाल मिर्च थोड़ी सी फूल जाएगी अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून भर के हल्दी। और अब मैं अपनी शिमला मिर्च को इसमें ऐड नहीं करूंगी और सिर्फ जो आलू हमने चॉप किए थे उन्हीं को इसमें ऐड करूंगी। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, आलू और शिमला मिर्च दोनों को साथ में डाल देते हैं और उससे होता क्या है कि शिमला मिर्च हमारी ज्यादा जल्दी पक जाती है और आलू को टाइम लगता है। तो आप पहले थोड़ा सा आलू को पका लें, ज्यादा नहीं, सिर्फ हमें आधा ही कुक करना है आलूओं को। इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे और यहाँ मैंने हल्दी के अलावा अभी कोई मसाले नहीं ऐड करे हैं। अब नेक्स्ट इसमें मैं थोड़ा सा बस नमक डाल रही हूँ। नमक हम एक बार और डालेंगे क्योंकि अभी मैंने थोड़ा ही डाला है। अगर मैं अभी प्रॉपर पूरा नमक डाल दूंगी तो हमारे आलू बहुत ज्यादा गल जाएंगे और शिमला मिर्च के टाइम पे उसमें नमक अच्छे से नहीं लग पाएगा। तो बस हमने इसको हल्का सा टॉस किया है और हम इसको कवर करके 5 से 7 मिनट तक कुक होने देंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू हमारे पूरे अच्छे से कुक अभी हमने नहीं करे हैं।
मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। कट हो रहा है लेकिन एक प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे शिमला मिर्च के साथ। और आप देख ही सकते हैं कि आलू हमारे बिल्कुल भी नीचे जले नहीं है और उनकी शेप बिल्कुल मेंटेन्ड है। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो कैप्सिकम्स हमने काटी थी, और इनको भी मैं आलू के साथ मिक्स कर दूंगी। हमने थोड़ा नमक तो पहले ही डाल दिया था, अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक और ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च अभी ज्यादा लग रही है बट वो श्रिंक हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी, उसका जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाएगा और वो कम हो जाएगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें जब भी सूखी सब्जी में नमक डालें, क्योंकि वो श्रिंक हो जाती है और क्वांटिटी उनकी काफी रिड्यूस हो जाती है। तो अब हम इसको फिर कवर करेंगे और बस 5 मिनट में हमारी ये सब्जी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो गए और हमारी आलू और शिमला मिर्च हम दोनों को चेक कर लेते हैं। हम देख सकते हैं दोनों ही चीजें अच्छे से कुक हो गई हैं और आलू के ऊपर एक हल्का सा क्रस्ट भी आ गया है, और जो शिमला मिर्च है उसने अपना शेप बिल्कुल रिटेन करके रखा है। अगर आप आलू के साथ ही शिमला मिर्च डाल देते तो ये शेप नहीं रिटेन रहती और शिमला मिर्च ओवर कुक हो जाती। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया, या फिर आप धनिया पाउडर डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के सौंफ यानी कि फेनल पाउडर। 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। सूखी सब्जियों में मसाले बिल्कुल आप एंड में डाला करें, इससे होगा क्या मसाले चिपकेंगे भी नहीं और बाद में जब आप डालते हैं मसाले तो वो अलग दिखते हैं सब्जी के ऊपर। अदरवाइज जो भी ड्राई मसाले होते हैं वो काफी ज्यादा जल जाते हैं अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हल्दी के साथ अगर हम उन मसालों को ऐड कर देते। तो हमारी ये आलू कैप्सिकम की यमी सी सब्जी तैयार है। इसको आप चपाती के साथ, दाल राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत क्विकली ये तैयार होने वाली सब्जी। आई होप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी, हेल्दी येट इजी रेसिपीज के साथ, कैसे हम एक सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।